मानगो स्थित सनराइज पब्लिक स्कूल में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का हुआ आयोजन। स्कूल के बच्चों को सिखाए गए योगा आसन। शुक्रवार को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित सनराइज पब्लिक स्कूल में योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्कूल के स्टूडेंट्स और टीचर्स मौजूद रहे और सभी ने योगा कर पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि योगा हमारे जीवन में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहां आए योगा टीचर द्वारा सभी बच्चों को योगा के कई आसन और उसके लाभ बताए गए। योगा टीचर द्वारा ये बताया गया कि योगा का इतिहास प्राचीन काल से रहा है, जो आज पूरी दुनिया में भारत की पहचान बन चुका है। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल शानी नीलोफर द्वारा बताया गया कि योगा को एक कसरत के रूप में देखते हुए सभी लोगों को इसे करना चाहिए ताकि उनका शरीर स्वस्थ रहे। हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप योग से जुड़े रहिए, डॉक्टर से दूर हटते रहिएगा। योग ऐसा है कि योग में योग का अर्थ होता है टोटल, जोड़ना। योग मतलब जोड़ना, टोटल इंग्लिश में बोलते हैं। तो किसको किससे जोड़ा जाता है? बोलते हैं तन को मन से जोड़ता है, मन को आत्मा से जोड़ा जाता है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जाता है। मतलब हम ईश्वर की तरफ, अल्लाह की तरफ, वहाँ तक मेरी ध्यान चले जाती है योग करने से। और योग ऐसा एक साधन है, ये आपको हमेशा स्वस्थ रखेगा। और योगा फॉर ऑल, इसका अर्थ होता है कि योगा किसी एक कास्ट के लिए नहीं है, सभी धर्म सभी जाति के लोग करते हैं, किसी एज ग्रुप के लिए नहीं है। 3 साल से लेकर 80-85 साल के एज ग्रुप के लोग भी योगासन कर सकते हैं। और योग आसन में क्या होता है ना, एज भी उससे बढ़ जाता है इंसान का। जो लोग 70 साल जीते हैं वो 80 और 90 क्रॉस कर जाते हैं। तो योग में क्या होता है, बहुत सारे बच्चों का ध्यान आकर्षित नहीं होता पढ़ाई लिखाई के समय, तो वो कुछ ऐसा आसन है, वो आसन करने से बच्चों का ध्यान किताब की तरफ जाएगा, बुक की तरफ जाएगा। तो ये, और कुछ बच्चों का राइटिंग नहीं अच्छा होता है, वो लिख नहीं पाते, तो उसके लिए भी आसन है। और वो आसन को करने से बच्चों का राइटिंग भी सुधारा होगा, 1 पेज के जगह में 10 पेज वो लिख लेंगे। बच्चे क्या करते हैं एग्ज़ाम में, ये करते हैं, ये करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, हाथ झाड़ते हैं, उंगली तोड़ते हैं। क्यों? कि उनका फिंगर और हैंड थक जाता है लिखते लिखते। आज ये 10वां योग दिवस मनाया जा रहा है और योगा हमारे लिए बहुत नेसेसरी है। वो हमें बाहर से ही नहीं, अंदर से हील करता है, मजबूत करता है। तो अगर बच्चे डेली अपनी लाइफस्टाइल में योगा को लाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो वो बहुत हेल्दी रहेंगे। इसलिए हमने स्कूल में योगा क्लासेस स्टार्ट की हैं। हमारे यहाँ योगाचार्य रहमान सर ने ज्वाइन किया है और हम लोग डेली बच्चों को योगा करवा रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ सनराइज पब्लिक स्कूल मिसेस शानी नीलोफर।